ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿಸೋಣ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಉತ್ತ ಮಾಡೋಣ ಆನಂದದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿಸೋಣ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಣ ಈಗಿರುವ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿ ಜಯ ಘೋಷ ಮಾಡೋಣ ಜಯ ಮಂಗಳ ದೇವ ಜಯ ಮಂಗಳ ದೇವ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಕುಡಿಯುವವು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬರುವನು ಯೇಸು ಮೆಗರುಡನಾಗಿ ಬರುವನು ಆನಂದದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೋನ सभी भाई बहन को हम जय मसीह की। आज हम लोग और भी कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि हमारा मैसेज का जो टाइटल जो है जो भाई ब्रैनम का अनुयायी लोग
जो मैसेज के नीचे रहने वाला, वो लोग को प्रभु बहुत आशीष दिया। वो लोगों को प्रभु ने बोला जाओ फलो आशीष पाओ, एक बात है, मगर ये प्रभु का इच्छा नहीं है, ये प्रभु का परफेक्ट विल नहीं है। इनको बोलता है ये प्रभु ने दिया हुआ परमिसिव विल बोलता है, वो एक बात। और दूसरा है इसमें हम लोग देखता है कि बालाम के बारे में, बालाम के साथ प्रभु ने व्यवहार किया, बातचीत किया, तभी मूसा भी था बालाम भी था, और बालाम प्रभु की इच्छा के अनुसार का नबी नहीं था, मगर मूसा प्रभु की इच्छा के अनुसार का नबी था। आज हम लोग देखता है सभा में ये सब इतना सारा दुनिया में भाई ब्रैनम का मैसेज में मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं करता है, डिनोमिनेशन का हमको कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों को ये सच्चाई नहीं मिला, वो लोग भाई ब्रैनम को इनकार कर दिया, उनका मैसेज को इनकार कर दिया, मगर हम बात करते हैं हमारा लोगों के लिए, विलियम ब्रैनम का मैसेज में रहने वाला लोगों के लिए वो ये। और आखिर हम देखता है कैसा लोग आज दावा करता है हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, ये सब बात हम देखता है। और हम आप देखता है कि इतना सारा चर्च आज बहुत फुले हुए, बहुत पैसा से भरा है, बहुत आशीष मिला है, कोई बात नहीं, मगर प्रभु की इच्छा का अनुसार नहीं है। प्रभु की इच्छा क्या है वो भी हम देखना चाहिए। प्रभु का इच्छा जो है मेरा प्यार मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाना और सेवकाई को हम लोग पहचानना, वो प्रभु की इच्छा है। और इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर और एक बात है, सातवां मोहरा के बारे में, वो भी एक चीज़ है, प्रभु ने कैसा सातवां मोहरा को अपना योजना के अनुसार खुलासा किया, और वो भी हम जानकारी है। और इसलिए प्रभु ने इसलिए एक स्क्रिप्चर को दिया, उस स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे। आइए अभी हम लोग स्क्रिप्चर का तरफ जाएंगे, वचन का तरफ जाएंगे। ऑलराइट, नंबर्स खोलिए बाइबल को और नंबर्स में जाइए। नंबर्स 22 सिर्फ एक वचन को पढ़ेंगे। Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head and fell flat on his face. मान स्वर्गीय पिताजी, ये पढ़ा हुआ वचन के ऊपर आपका आशीष होने दे। प्रभु आपने हमको शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, हमारा मनो आलोचन को आपने सही आलोचन आपका आलोचन से आपका रास्ता में चलने के जैसा करने वाला है प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, इस वचन से भाई ब्रैनम आपका नबी भी यही वचन को निकालते हुए एक शानदार संदेश को प्रचार किया, उसका नाम जो है डज गॉड एवर चेंज हिज माइंड, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। और वो मैसेज में से एक छोटा कोर्स को मैंने लिया, आपने मेरे को चलाया और वो मैसेज के लिए आपने हमको दिया। परमेश्वर ज़बरदस्त चीज़ है प्रभु, हम देखता है कि आज का दिन में कैसा सेवकाई है, ज़्यादा लोग सच्चाई को जानने के लिए इच्छा नहीं है प्रभु, जो लोगों को चाहिए सोशल गॉस्पेल, कैसे भी रहना कैसे भी जीना यीशु मसीह को आराधना करना, वो उस तरीके में लोगों का आलोचन है, मगर प्रभु हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए हमारा जीवन पूरा परिवर्तन होना, हमारा जीवन पूरा बदल होना, हमारा आलोचन से लेके सब कुछ हमारा जीवन में बदल होना चाहिए प्रभु। हम दुनिया का जैसा रहना नहीं चाहता है, दुनिया का लोगों के साथ मिलते हुए वो लोगों का आचार विचार को हम लेना नहीं चाहता है प्रभु, मगर हमारा एक ही इच्छा है, आपका परफेक्ट सिद्ध इच्छा में हमको रहना चाहते हैं। होने दे प्रभु, आपको महिमा आपको गौरव, छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं।
परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दे। मैंने ऑलरेडी टाइटल को बोला, अभी इधर देखिए मेरा प्यारा भाई बहनों, ये एक मैसेज बाय ब्रैनम प्रचार किया था और उसका नाम जो है डज गॉड एवर चेंज हिज माइंड अबाउट हिज वर्ड। अपना वचन के लिए कभी भी परमेश्वर के अपने मन को बदला क्या, ये उनका मैसेज है। शायद मेरे को लगता है 1965 में प्रचार किया, शानदार मैसेज है। मेरे को मालूम नहीं कितना भाई ब्रैनम का मैसेज का लोग इसको समझा, मेरे को मालूम नहीं है, मगर हमारा मकसद वो नहीं है, हम हमारा देखें क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने इसमें से एक दो तीन पारा कोर्स को लिए लेके इनका मैसेज को बनाने के लिए प्रभु मेरे को मदद किया, शायद किया, मेरा ध्यान को वो एक इम्पोर्टेंट जगह पर लेकर गया और मेरे को दिखाया। और इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों, हम देखता है आज सभी लोग बोलता है, सभी लोग विलियम ब्रैनम का मैसेज का लोग, और ये लोग सब दावा करता है हमको अच्छा आशीष मिला, हमको प्रभु ने बहुत बड़ा आशीष दिया, हमारा सेवकाई जबरदस्त चल रहा है और हम बहुत जगह पर चर्च को खोला, अलग अलग जगह पर जाके हम लोग प्रचार करता है और बहुत चर्चेस को हम लोग जीता, प्रभु में लेकर आया, मसीह के पास लेकर आया। भाई ब्रैनम का मैसेज को हम लोग टेप और किताब को बांट रहे हैं और भाई ब्रैनम के मैसेज की तरफ लेके आ रहा है करके बहुत चर्चेस, बहुत सेवक लोग, खास करके सेवक लोगों का ये दावा है। ये सेवक लोग कौन है, ये सेवक लोग कहाँ से आया, ये सेवक लोगों का शुरुआत कैसा हो गया, कैसा ये सेवक लोग अपने आप को बड़ा करते हुए अपना मन में सोचते हुए मैं बहुत बड़ा सेवक के करके कैसा ये लोग है, ये सब हम लोग डिटेल आज देखेंगे क्योंकि हमको डिटेल चाहिए। हम ऐसा बात करेंगे नहीं क्योंकि मिनिस्टर्स बोलेंगे तो सेवक लोग हैं, और कौन इन लोगों को अगुवाई दिया जाने के लिए, सेवकाई करने के लिए, ये सब हमको चाहिए। कैसा ये लोगों को अगुवाई मिला, कौन अगुवाई दिया, कौन ये लोगों को सेवकाई करने के लिए बोला, कौन ये लोगों को बाइबल खोलते हुए प्रचार करने के लिए अनुमति दिया, ये सब हमको चाहिए। ये गड़बड़ी इधर है, बहुत बड़ा गड़बड़ी इधर है। प्रभु ने जो बोला हमारा नबी के पास, क्योंकि प्रभु किसके साथ भी बात नहीं की, हालांकि उस समय पर बड़ा बड़ा टेली इवेंजलिस्ट लोग था, बिली ग्राम था, ऑरल रॉबर्ट था, ए एलन था, टीएल ऑस्बर्न था, एन लोग सब लोग था। प्रभु को ये लोगों में किसी को भी, ऑरल रॉबर्ट का बहुत बड़ा कैथेड्रल था, प्रभु कर सकता था ये लोग में किसी को भी बुलाते हुए ये लोग के साथ बात, मगर प्रभु ऐसा नहीं किया। प्रभु ने एक मामूली व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति को उन्होंने चुना और उनके साथ उनको नबी बनाया और उनके साथ बात करने को शुरू किया। ये बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए और आपके लिए, और जो भी परमेश्वर ने उनको बोला वो चीज़ों से, वो वचन से प्रभु अपना मन को बदलेगा नहीं। और जो भी भाई ब्रैनम को प्रभु ने इतना सारा मैसेज है भाई ब्रैनम का, हम बहुत धन्यवाद है प्रभु को, हम लोग धन्यवाद करते हैं ऐसा नबी को भेजा। वो नबी का वजह से हम लोग सारा गलत को महसूस किया, इवन हमारे जीवन को भी हम लोग देखा, मैसेज को देखते हुए हमारे जीवन को भी पहचाना, हम हमारा दलिंदर और बेकार जीवन से हम लोग छोड़ के आने के लिए हमको परमेश्वर ने इस मैसेज के द्वारा मदद किया, हम कबूल करता है। आज बहुत लोग अलग अलग तरीके से भाषण देते हैं, मैं बोलता प्रचार नहीं है, भाषण है, क्या क्या भाषण करता है, वैसे वो सब भाषण है मेरे प्यारा भाई बहनों,
जैसा राजनीति लोग भाषण करते हैं ऐसा ये लोग मेरा सही है उनका गलत है ऐसा ये लोग का सब राजनीति पॉलिटिकल पॉलिटिक्स मिक्स है राजनीति मिक्स है ये लोग का प्रचार में ये लोग सही प्रचार नहीं करता है बाइबल है मैसेज है इनको लेके अपना आलोचन को डालते हुए प्रचार करके लोगों को गुमराह करता है गुमराह ऐसा समय में हम है। मगर मैंने बोलना चाहता है भाई ब्रैनम को क्या परमेश्वर ने बोला और भाई ब्रैनम क्या हमको बताया समझ लीजिए। भाई ब्रैनम मूसा के समान का एक नबी था वॉयस भाई ब्रैनम मूसा का समान का एक नबी था और उसी समय में पालम करके भी आप लोग मैंने वो सब पढ़ा नहीं खाली एक स्क्रिप्चर को क्योंकि हमारा नबी भी वो उतना ही पढ़ा और उसमें से मैसेज शुरू किया मैं कहा मगर मेरा हाईलाइट फोकसिंग है अलग है। अभी भाई ब्रैनम मेरा फेर पैर बहनों जितना परमेश्वर ने उनसे बात किया वो सब कुछ प्रभु ने भाई ब्रैनम ने हमको बताया सही नबी था सब मगर उसी समय में भी बेलाम बालाम भी था वो मेरा फेर पैर बहनों उनके साथ भी प्रभु बात करता था मगर उन्होंने चाहता था इसराइल को शाप देने के लिए मगर जितना बार उन्होंने शाप मिलने कर करके सोचा मगर उतना समय प्रभु ने उसको इसराइल लोगों का आशीष को बताया क्योंकि आज इसराइल का वही जगह पर हम ब्रेड खड़ी है वो ब्रेड का आशीष जो है कोई निकाल नहीं सकता है। ब्रेड को क्यों आशीष आप पूछेगा क्या आशीष ब्रेड को मिला ब्रेड को मिला हुआ आशीष जो है वचन है दी वर्ड है और पवित्र आत्मा है ब्रेड को मिला हुआ आशीष। पैसा का थैली नहीं है ना बंगला ना मोटर गाड़ी वो नहीं है ब्रेड का आशीष। ब्रेड का आशीष जो है दी वर्ड है वॉयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। मगर बालम के पास वचन नहीं था बालम एक नबी था बालम भी नबी था मगर मूसा के पास वचन था ये बहुत बहुत केयरफुल देखो इसलिए आज बालम को हम देखेंगे और मूसा को भी देखेंगे और ब्रेड को भी देखेंगे तीनों चीज हमारा हमारा हम आज देखेंगे मूसा ब्रेड और बालम वॉयस। अभी बालम जो है प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है मगर बहुत लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया उनका डॉक्ट्रिन ऑफ बालम करके हम चर्चेजेस पे देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बालम का डॉक्ट्रिन वॉयस डॉक्ट्रिन ऑफ बालम खतरनाक थ्रू। मेरा प्यारा प्यारे बहनों एक इधर कोर्स को मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इसके अनुसार हम आगे जाएंगे सो देयरफॉर ये भाई ब्रैनम का कोर्स है Does God ever change His mind? वो मैसेज का इधर भाई ब्रैनम बोलते हैं सो देयरफॉर इसलिए गॉड नेवर चेंजेस हिज माइंड परमेश्वर अपना मन को बदलेगा नहीं अबाउट एनीथिंग कोई चीज बट ही विल परमिट हाँ अनकोट इसका मतलब प्रभु जो बातों को जो चीजों को पहला बोल चुका है अभी बोलेगा तो मूसा को बोला ना बड़ा ब्रैनम भी मूसा का समान का नबी है जो भी बोला है प्रभु उससे बदल अपना शब्द को बोल चुका है उसको बदल नहीं करेगा परमेश्वर वो ये उधर ही खड़ा रहेगा समझने की कोशिश कीजिए परमेश्वर जो भी बात भाई ब्रैनम के द्वारा बताया कौन सा भी चीज है कौन सा भी डॉक्ट्रिन है कौन सा भी ऑर्डर चर्च ऑर्डर से कौन सा भी मैसेज है रेवलेशन है कुछ भी है भाई ब्रैनम को मिला है उधर ही प्रभु खड़ा है वो बदलेगा नहीं अपना मन को बदल नहीं करता है जो एक बार बोला उसके बाद वो मन को बदल करते हुए वो ये सही नहीं है वो मैं और एक बोलूंगा नहीं करेगा वो मगर उन्होंने आपको अनुमति देगा आप जाओ कुछ भी करो ये इसका मतलब क्या है मैं आज बताता है डिटेल बताता है अगर आप लोग इनके बारे में जानकारी नहीं है मगर इसका मतलब है परमेश्वर जो भी भाई ब्रैनम का द्वारा बोला है वो यस खास करके सेवकाई के बारे में कैसा आप और मैं सेवकाई में करना आगे बढ़ना
और इस मैसेज को, भाई ब्रैनम का मैसेज को लेके उधर इधर जाना, इसके लिए पूरा पूरा प्रभु ने बोला, प्रभु बोला मत जाओ अभी। जाने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ विलियम ब्रैनम बोला है, उसका मैसेज में है। अभी उसका मैसेज में रहने वाला लोग अभी इधर बोलता है, ये लोग सचमुच में ब्राइड नहीं है। ब्राइड सिद्ध इच्छा का साथ खड़ी है, जो मूसा को बोला हुआ सिद्ध इच्छा, परफेक्ट विल में ब्राइड खड़ी है। मगर जो लोग को परमिशन मिला, परमिशन देखिए, प्रभु एक बात बोलता है मगर वही प्रभु आपको जाने के लिए परमिशन भी देते, बोलेगे तो अनुमति देते, जाओ जाओ। क्यों वो अनुमति दिया, ये भी एक बात है, क्योंकि वो भी मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि ये लोगों का हृदय में आशा से भरा है, भयंकर आशा है सेवकाई करना। मेरा प्यारा भाई बहनों, आशा आपके जीवन में होना, प्रभु का सेवकाई के लिए आशा होना, और आपका क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल बोझ होना, बोलेगा तो बहुत प्राण है वो मर रहा है, वो प्राण के लिए हम जाना चाहिए, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बोझ, बोलता है आर्टिफिशियल जिम्मेदारी। हाँ, और ये अलग है। आप क्या सोचते हैं हम उधर इधर जाके लोगों को जमा करेंगे, प्रभु के लिए जीते, प्रभु को क्या वो सोच रही है? प्रभु को क्या उनका मन में, उनका माइंड में उसका जिम्मेदारी नहीं है? मेरे से भी आपसे भी ज़्यादा प्रभु को है। मगर प्रभु क्या बोला मूसा को, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो हम आज देखेंगे। मगर ये लोग पूरा आशा से भरा है, जैसा बालम के हृदय में भी एक इविल थॉट था, इसको बोलते हैं इविल, बुराई सोच था। वो बुराई सोच वही है, कैसे भी करके इसराइल लोगों को शाप मिलना, बदनाम करना, वही था। ऐसे ये लोग का हृदय में भी वही सोच है, ये लोग सही प्रभु की इच्छा का अनुसार नहीं है। ये लोग दुल्हन को कैसे भी फंसाने का और विधर्मी के द्वारा इसको ठोकर नहीं मिलने के जैसा करने का, आशीष का आशीष को निकालने का मेन बात है, जो दुल्हन को मिला वो आशीष को निकाल देने का, ये एक ही चीज है। और इसराइल में भी वही हो गया, इसराइल का आशीष को निकालने के लिए देखा वो बालम, वो नबी। दो तरीके का नबी रहता है, एक आशीष को देने वाला, बोलेगा तो आशीष में चलाने वाला एक नबी है, वो सच्चा नबी है, वो जो है मूसा है। मगर आशीष को निकालने वाला एक नबी है, वो बालम है। और मैंने आज कहता है आशीष को निकालने वाला नबी जो है आज विलियम ब्रैनम का मैसेज के नीचे रहने वाला सेवक लोग है। ये लोग बालम लोग है, ये लोग बालामाइट्स, ब्रैनमाइट्स नहीं है, बालामाइट्स है, बालामाइट्स। वैस ब्रैनमाइट अलग है, ब्रैनमाइट हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो विदर्भी लोग रखा हुआ नाम है, मैं उनका भाव, हम ब्रैनमाइट नहीं है, हम मसीह के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं। मैं उनके बारे में यूट्यूब भी बना के मेरा चैनल में डाल दिया। अभी इधर बालामाइट्स बोलेगे तो बालम का जो नबी का वो बालम, अभी वो लोग बालम में क्या दावा करता है, मेरे से भी प्रभु बात किए बोलता है, मेरे को प्रभु ने बोला जाने के लिए बोलता है। बालम बोलते मेरे को प्रभु अनुमति दिया, जाओ तुम, मैंने प्रभु से मांगा पूछा, मेरे को जाने को बोला, बोलता है। मगर प्रभु का सिद्ध इच्छा जो है पहला बोला था वही है, पहला बोला जाने का नहीं, तुम सेवकाई के लिए अभी निकलो मत, अभी समय नहीं है। ये समय तेरे को दुनिया का कोने कोने में एरोप्लेन लेके भागने का समय नहीं है। हाँ, ये समय जो है तेरे, ये समय नहीं है, तू जाओ मत करके प्रभु ऑलरेडी बोला। मगर बालम बोलता है मेरे को प्रभु अनुमति दिया जाने के लिए। देखो यही जो बात है, यही जो दावा में, ये सब विलियम ब्रैनम का मैसेज का सेवक लोग खड़ा है, मिनिस्टर्स लोग यही दावा लेके खड़ा है, हमको प्रभु ने बोला जाने के लिए। बराबर सुनिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। वैसे प्रभु ने हमको इधर क्या बोलते हैं, प्रभु अपना मन को बदलेगा नहीं, मगर आपको अनुमति दे सकता है जाने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल,
क्योंकि अनुमति इसलिए दे सकता है जो प्रभु ने अनुमति इसलिए दे से प्रभु सबका हृदय को देखने वाला प्रभु है। आपका हृदय में क्या है उसी के अनुसार आपको प्रभु जाओ बोलते हैं। जैसा दुष्टात्मा बोला क्या हम ऐसा 400 नबी लोगों के पास जाओ क्या पूछा क्या प्रभु थोड़ी रोका उसको नहीं रोका जाओ बोला जाओ अभी झूठ का आत्मा लेके जाओ और झूठा भविष्यवाणी बोलने को 400 नबी लोगों को फेरे पड़ कर करके बोल के भेज दिया प्रभु भेजा अभी वैसे प्रभु भेज सकता है प्रभु आपको अनुमति दे सकता है कोई बात नहीं है। आप बोलते हैं दावा करते हैं वो सही दावा है आप लोग का विलियम ब्रैनम का मैसेज का मिनिस्टर्स लोगों का दावा सही है डाल्टन ब्रूस का दावा सही है वो भी वही दावा करता है मेरे को वर्ल्ड एल्डर के लिए प्रभु चलाया वयस वो अपने आप को देव मानव बना दिया देव मानव बना दिया सुपरमैन बनाया डाल्टन ब्रूस ऐसा बोलते बोलते सब लोग डाल्टन ब्रूस को आज इतना बड़ा उम्र हो के मरने का स्टेज में है और भी लोग उसको चाहता है गॉडमैन बोलता है गॉडमैन मैं उसके बारे में प्रभु मेरे को अगुवाई करेगा मैं उसके बारे में प्रचार करने वाला है। मेरे प्यारे मेरे बहनों ये सब लोग बोलते हैं वो दावा करते हैं सही दावा है प्रभु बोला अनुमति दिया ये लोग को वे बोलता है अभी ब्रैनम भी बोलता है गॉड परमिटेड देम बोलता है परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया जैसा अनुमति बालम को भी दिया। अभी ये बालम कौन है आज का तारीख में आज का डेट में बालम कौन है यही मिनिस्टर्स लोग है यही सेवक लोग है ये लोग दुल्हन को मिलने वाला आशीष को निकालने के लिए देखने वाला लोग है ये लोग सही लोग नहीं है ये लोग झूठे लोग हैं ये लोग झूठा अभिषिक्त लोग है बालम लोग है बालम का डॉक्ट्रिन है उसके पास और कैसा फंसा दिया ये सब मैं आज डिटेल में बोलता है। इनके बारे में मैं पहले भी प्रचार किया था मगर वो अलग है ये अलग है। अभी देखिए मेरे प्यारे बहनों हाँ प्रभु अपना मन को भाई ब्रैनम से एक बार बोला अभी आप लोग बहुत लोगों का डायलॉग है मैं आपको बताऊँ वो लोग बोलता है भाई ब्रैनम से बोल के 60 साल हो गया क्या ऐसे ही रहेगा क्या अभी मेरे प्यारे मेरे बहनों एक बार प्रभु कोई नबी से सच्चा नबी से बात करेगा वो हजारों नहीं मिलियन साल तक भी वो रहेगा। हाँ क्या अभी मूसा को जो बोला अब आज भी हमको लागू नहीं है लागू है हम क्या आज लेविटिकस को लेके प्रचार नहीं करता है हम ड्यूटरनमी को लेके प्रचार नहीं करता है करता है क्योंकि वो कभी भी बदलेगा नहीं प्रभु एक बार बोलेगा एक बार बात करेगा प्रभु एक बार मैसेज को देगा और वो कोई भी उसका वो बदलेगा नहीं क्योंकि प्रभु है वो। मगर आपको मेरे को किसी को भी वो अनुमति देगा जाओ वो करके क्या जाओ किसके लिए जाओ सेवकाई के लिए बालम भी इधर सेवकाई के लिए निकला वो भी कारण वही बोला हाँ गधे के ऊपर बैठते हुए निकला। अभी इधर भी लोग आज वर्ल्ड वाइड दुनिया में वयस सब लोग भाई ब्रैनम के साथ खाना खाया पानी पिया और ये सब लोग मेरा घर में कुछ लोग मरा कुछ लोग जिंदा है और ये लोग का पूरा साक्षी और गवाही सब वही है हम भाई ब्रैनम का साथ में का लोग है और ये लोग वही दावा करते हुए दुनिया भर के एरोप्लेन लेके घूम रहे हैं पैसा बहुत खर्चा करता है और बोलता है क्या मालूम है प्रभु के लिए हमको आत्मा को जीतना और ये लोग का डायलॉग क्या है हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया वो एक समय में वो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा देता था मगर आज हम यीशु अरे तुम कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दे वो और अन्य भाषा बात करो और अलग अलग तरीके से नाचो जंप करो डांस करो ट्रम्पेट बजाओ ऑर्गन बजाओ और शानदार गाना गाओ ये कुछ भी करो तुम क्योंकि प्रभु तेरे को अनुमति दिया है तुम अनुमति के नीचे है परमिशन विल बोलते हैं उसको परमिशन विल बोलेगे तो प्रभु तेरे को परमिट दिया अनुमति दिया कुछ भी करो कुछ भी फायदा नहीं है उसमें वैसे हकीकत में प्रभु तेरे को अनुमति दिया तुम लोगों का दावा का अनुसार मैं इसको आज सही बोलते हैं अनुमति दिया प्रभु ने अनुमति दिया प्रभु बालम को अनुमति दिया जाओ तुम करके प्रभु ने अनुमति दिया। इधर भी हम देखता है
ये लोग भी, ये सब सेवक लोग, मैं आज बोलो इतना सारा सेवक लोग आप लोग देखते हो, ये लोग बालम के जैसे नबी लोग हैं, ये पूरा सेवक लोग जो ब्रानम जो है प्रभु का इच्छा के अनुसार का नबी है, प्रभु के इच्छा से अलग नहीं था। प्रभु उनसे मुंह से मुंह रखते हुए बात किया, लिप्स टू लिप फोटो फोटो से बात किया, मगर ये इधर बालम जो है ऐसे नहीं बात किया, मगर बात किया बालम से भी, बालम से भी बात किया, बालम को बालम भी नबी था। भाई ब्रानम बोलते बालम वॉज द प्रॉफिट, और बाइबल ही बोलते बालम वॉज द प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट है वो, झूठा नबी है। और ये लोग भी ऐसा है, आज बालम जो है, मैं बोलता है आज बालम वापस रिपीट करके बोलता है, आज बालम जो है विलियम ब्रानम का मैसेज में रहने वाला सेवक लोग है, मिनिस्टर्स लोग है वैस, और उनमें उस चीजों वो कैटेगरी में डाल्टन ब्रूस भी आ गया, और उनका सारा एजेंट लोग सब उधर है वैस, ये लोग सब वही दावा करता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, हकीकत में प्रभु ने परमिशन दिया वैस जाओ करके। ऑल राइट, एंड गॉड विल परमिट यू टू डू समथिंग, परमेश्वर ने आपको अनुमति देगा करने के लिए, एंड इवन ब्लेस यू, आमेन अनकोट, और उतना नहीं आपको आशीष भी देगा वो। मालूम है ये सब आज हमारा स्वाभाविक आंखों से देखते हैं, ये सब आशीष को आप लोग देखा है। मैं बोलते किसको आज कमी घटी है, विलियम ब्रैनम का मैसेज में रहने वाला इतना सारा सेवक लोग, इतना सारा सेवक है, अलग अलग नाम से उठा है, और भाई ब्रैनम का खाली नाम है मगर अलग अलग ये लोग का डॉक्ट्रिन है, सोच है, विचार है, सब बालम बालम का डॉक्ट्रिन है, सब बालम का डॉक्ट्रिन, मूसा का नहीं, विलियम ब्रैनम का डॉक्ट्रिन नहीं है, पूरा बालम का डॉक्ट्रिन है। और ये लोग इतना आशीष पाया, ये लोग के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार मोटर गाड़ी है, बंगलो है, तीन चार घर है, और मेंबर्स लोग, सदस्य लोग हजारों से ऊपर है वैस, अलग अलग देश में ये लोग का चर्चस है, ये लोग का मनी स्कीम है, ये लोग का पैसा फ्लो होता है जैसा उगते हुए नदी का जैसा फ्लो होता है पैसा, ये लोग का प्रोग्राम भी ऐसा है, ये लोग का यूट्यूब भी बहुत है, बहुत यूट्यूब है, शानदार शानदार टेक्नोलॉजिकल यूट्यूब को ये लोग बनाता है, बहुत शानदार है, ये लोग के लिए काम करने वाला भी है, एक टीम है ये लोग वैसे, ये लोग बहुत भयंकर प्रचार करता है, उड़ता है गिरता है, उड़ता है गिरता है, ऐसा प्रचार है, अरे बाप रे, अब बोलो मत। और जो नए जन्म नहीं पाने वाला लोग उसका भाषण को सुनेगा तो बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसको नए जन्म नहीं हुआ। ये लोग का भाषण को आनंद करने वाला कौन है मालूम है, बिना बॉर्न अगेन के लोग, जिसको नया जन्म नहीं मिला उनको होता है। अभी डाल्टन ब्रूस का, क्योंकि जिसको बॉर्न अगेन होगा डाल्टन ब्रूस का मुंह के ऊपर बोलेगा तू गलत आदमी है, तू गलत प्रचार करने वाला है, तेरे को प्रभु ने ऑर्डर नहीं किया बोलेगा, मगर जिसको नया जन्म नहीं पाया वो बोलेगा आप सफल रहे, आपका ऊपर कोई भी नहीं है, आप वर्ल्ड एल्डर है, ये सब लोगों का गलत बात है। बॉर्न अगेन कोई पास्टर से नहीं होता है, ना कोई बिशप से नहीं होता है, बॉर्न अगेन कोई अपोस्टल से नहीं होता है, बॉर्न अगेन होता है वचन से, दी वर्ड से, बॉर्न अगेन होता है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा और वचन दोनों साथ में आपके हृदय में आके बात करेगा और आपको मैसेज समझेगा, आपको रिवील होएगा, वही आपको बॉर्न अगेन है। आहा, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। अभी खाली भेजेगा नहीं, उसको आशीष भी देगा, सेकेंड बात है वो, पहला भेजेगा। वो लोग बोलते हैं हमको उधर भेजा इधर भेजा, आज हम लोग यूरोप टूर करके पूरा प्रभु की इच्छा है बोलते हैं, हाँ पूरा इच्छा कौन सा है, भेजा वो इच्छा है, क्योंकि ये लोग का हृदय में आशा है हम बड़ा मिनिस्टर होने का। समय कब फैले वो भी बोलता है, समय आया नहीं, समय आने का पहले ये लोग अपना कामों को अपना प्रोग्राम को डालने को शुरू किया, अभी समय आया नहीं। अरे भाई समय का पहले आप खुद ही मारते हो, भाग रहे हो सेवकाई के लिए, सफेद पैंट सफेद शर्ट काला बूट,
और कुछ लोग सूट, कुछ लोग बिना टाई से प्रचार नहीं करते, वो लोग को टाई चाहिए, पुलपिट पे खड़ा होने के समय टाई होना चाहिए, वो टाई पहन के प्रचार करता है और इंग्लिश क्लास को जाके इंग्लिश सीखता है वो लोग, कैसा इंग्लिश में बात करना और लोगों को फंसाना। हाँ, ये सब चीज़ें ये लोग के पास, ये लोग साधारण लोग नहीं है। जैसा बालम को जो सपोर्ट किया बालक, बालक कौन है, बालम को सपोर्ट किया कौन है, बालक जो राजा, वो कौन है, वो मोबाइट्स है। मोबाइट्स बोलेंगे तो भाई ब्रैनम बोलते हैं डिनोमिनेशन है, वो संस्था है। ये लोग का भी पूरा सपोर्ट जो है संस्था से आता है। बालक का जैसा कुछ फाइनेंशियल लोग है, पैसा लोग है, बालक सपोर्ट। मूसा को कोई भी पैसा दे के मूसा को खरीद नहीं कर सकता है, क्योंकि मूसा को डायरेक्ट प्रभु से मुलाकात है, प्रभु का आत्म जन है वो, प्रभु का नबी है, सिद्ध इच्छा से रहने वाला नबी है। मगर बालक ऐसे नहीं है, बालक का जैसा राजा उसको सपोर्ट किया और बालक चाहता था मूसा का जो मिनिस्ट्री को गिराने के लिए, वैसे ये लोग भी अभी करते हैं वही काम। भाई ब्रैनम का सेवकाई को गिराने का ये लोग का काम है और गिराने के लिए देखते, मगर ब्राइड छोड़ता नहीं है। भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री को उठाते हुए पकड़ा हुआ एक ही एक चीज है, ब्राइड है वो, क्योंकि ब्राइड इन मामले में नहीं है। ब्राइड अभी दो नबी लोग, अभी दो नबी लोग हैं, एक मूसा है और एक बालम है, ये दोनों नबी के बीच में ब्राइड खड़ा होते हुए मूसा को पकड़ लिया, बालम के पास नहीं है। ब्राइड बालम का बात नहीं सुनती है, क्योंकि ब्राइड को मालूम है ये परमेश्वर विल में जाने वाला मिनिस्ट्री है, ये सब डूबने वाला शिप है, ये सब डूबने वाला जहाज है, ये सब एक दिन डूबेगा पानी में। डूबने वाला जो जहाज में आप और मैं बैठेगा, एक दिन वो हकीकत में डूबने वाला है। ऐसा तरीका, ऐसा स्थिति है ये लोग का। अभी आप सोचिए, बालम को देखो, उनको आशीष भी मिला, सब कुछ मिला। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ऐसा लोग आज है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत आशीष मिला है ये लोग, बहुत पैसा बैंक में जमा किया। खाली हमारा ये त्रिनिदाद का ये क्या बोलते हैं विंड आइलैंड को देखो, विंड आइलैंड 25,000 यूएसए सॉरी टीटी डॉलर को पकड़ा, मिलियन 25,000,000 टीटी डॉलर को पकड़ लिया, पुलिस केस हो गया। अरे भाई, अगर आप सीधा सीधा है, क्यों आपका घर के अंदर पुलिस घुस के आपका पैसा को लेके जाना, आप चोर है, चोर है आप। अब बालम है, बालम चोर था, सभी पैसा को इकट्ठा करके रखा था बालक का, बालक ने वो पेड प्रॉफिट था, मालूम है बालक, बालम वॉज द पेड प्रॉफिट, बोलेगा तो पैसा दिया हुआ सॉरी उनका ऊपर पैसा दिया गया, बालक ने पैसा खर्चा किया बालम को। ऐसा ये लोग, ये सेवक लोग के लिए ये लोग पेड सर्वेंट ऑफ गॉड है, पेड है। ये लोग टाइथ को खाया और ऑफरिंग को खाया, मजबूत खाया और टाइथ और ऑफरिंग से ये लोग पूरा फसल ये पूरा फुग गया और टाइथ और ऑफरिंग, ये लोग पेड मिनिस्टर्स लोग है। मूसा पेड नहीं है, मूसा को कोई पैसा दे के नबी नहीं बनाया, मूसा बिना पैसा से बनाया हुआ नबी था। मूसा को कोई भी पैसा खर्चा करते हुए देखो, तेरा खर्चा के लिए, तेरा दिन निकालने के लिए, तेरा खाने के लिए, तेरा घर के लिए पैसा देते, कोई मूसा ने एक पैसा भी नहीं लिया। ऐसा हमारा भाई ब्रैनम, हमारा बहुमूल्य नबी ब्रैनम। मगर देखो ये लोग को, ट्रिनिदाद में बैठा हुआ डाल्टन ब्रूस को देखो, जर्मनी से अलग अलग जगह से अमेरिका को कब्जा किया, वो वहां पर अपना बेटा को रखा, इधर अपना दूसरा बेटा को रखा, बहुत बड़ा बालम है वो। और वो मरेंगे तो क्या हुआ, उनका सक्सेसर लोग है वो, उनका सोच फैले था, बहुत इविल सोच है, बहुत बुराई सोचता वो, अगर मैं मरेगा तो मेरा बेटा मेरा जगह पर आएगा करके उनको भी लगा। ये सब बालम का मिनिस्ट्री है, बालम का नेटवर्क है, बोलता है दिस इज ऑल बालम्स नेटवर्क, बालम का नेटवर्क है। बालम का नेटवर्क एक ही है, कब्जा करना, लैंड को कब्जा करना, लैंड को खरीदना, पैसा कमाना। और विंड आइलैंड को भी बहुत लैंड है उधर त्रिनिदाद में और अलग अलग देश में, वो भी खरीद करके रखा हुआ जगह है। ऐसे ही जॉर्ज रटन को भी
लोग सब पैसा में स्विमिंग करता है पैसा में, क्योंकि आशीष मिला ये लोग, सचमुच में आशीष मिला। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, ये लोग सब मेरे प्यारा भाई बहन हूँ। बालम के लोग, ये लोग पेड मिनिस्टर्स है। बालम कैसा उनको पैसा दे के उनको नबी बनाया मालूम है आपको? बालम को पैसा दिया, बालक पीछे से पैसा दिया, ले वो साप दे उसको, मरने दो इसराइल लोग, मगर जिंदा परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा था, बालम के साथ नहीं खड़ा था। वो सिर्फ और सिर्फ मूसा के साथ, आज भी वही है, जिंदा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ भाई ब्रैनम के साथ खड़ा था और आज उसका मैसेज के साथ खड़ा है। आज उसका मैसेज में रहने वाला ब्राइड के साथ खड़ा है हमारा परमेश्वर, मगर इन लोगों के साथ बालक के जैसा स्पॉन्सर लोग पैसा दे के खरीदा। बालम है वह स्पॉन्सर लोग है, ये सब डिनोमिनेशन का आत्मा से भरा हुआ लोग है, समझ सकते, क्योंकि बालक जो है मोआबाइट्स का राजा था, मोआब जो है वो डिनोमिनेशन है, उधर भी मूसा का जैसा सब कुछ था वैस, मगर मेरे पैर हम सब वो सब जानकारी लेना नहीं, हमको ये बहुत 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 अच्छा हो गया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, ये सब प्रोग्राम में ये लोग है आज, सावधान में रहो, आपका सोल ये लोग के बीच में मर जाएगा। बालाम की इच्छा था सारा इसराइल लोगों को मारना, सारा इसराइल को मारना बालाम की इच्छा था, वही उद्देश्य वो उन्होंने निकला। ये लोग की इच्छा भी वही है, सारा चर्चेस को मार के रखने का, हमको पैसा मिलेगा तो मिलने दो, हमारा पॉकेट पूरा भरने दो, मगर ये लोग मरने दो, ये लोग का पॉलिसी वही है। मैं बोलते आज ये आप ये मैसेज को सुनो, ये लोग का पॉलिसी, ये सेवक लोग का पॉलिसी, सोल के बारे में चिंता नहीं है। जैसा बालम सोल को देखा नहीं, इससे लोगों का आशीष को देखा नहीं, इससे लोगों का मौत को देखा उन्होंने, और उधर मौत भी हो गया वैस में, वो भी बोलता है ऐसा। ये लोग भी, ये सब सेवक लोग, ये सब मिनिस्टर लोग, कोई किसी का भलाई को नहीं देखता है, कोई किसी का जो सोल को प्राण को नहीं देखता है, मगर अपना पॉकेट को देखता है, अपना बैंक बैलेंस को देखता है, अपना बैंक में कितना पैसा जमा है उसको देखता है, और उसी का अनुसार ये लोग अपना सेवकाई को करता है। जैसा बालम किया, वो भी बालक का पैसा देखा और बालक से मिला हुआ पैसा को लिया और भविष्यवाणी बोलने को शुरू किया, और उसका एक ही भविष्यवाणी वाणी है, इससे लोगों को खत्म करना। वैसे ये लोग कभी वही प्रोग्राम में, ये सब सेवक लोग वही प्रोग्राम में डूबे हुए, किसका सोल क्या होएगा तो क्या हुआ, हमको क्या करने का, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको डॉक्टर में उसका पैसा आते रहता है, हमारा चर्च बड़ा होते रहता है, वैसे हमारे घर में पूरा क्या क्या चाहिए वो सब लिस्ट में डाल्टन बुश मांगा और थियोविड मांगा और विंड आइलैंड मांगा, सब ये लोग बालम लोग मांगा, वो बालम जो भी मांगता है ये लोग पूरा बेचता है, मगर बालक का जैसा लोग है उधर, बालक का जैसा स्पॉन्सर करने वाला बालक कौन था, बालम का जैसा झूठा नबी को स्पॉन्सर करने वाला था, वो स्पॉन्सर बोलेगा तो पैसा दे के सपोर्ट करने वाला था, वो पेड मिनिस्टर्स था, ये लोग भी पेड मिनिस्टर्स है। कल ये लोग का किसे में पैसा खाली बोले तो आप देखो, कल मैंने एक भाई से सुना, एक जन सेवक है, करते करते पैसा नहीं मिला, सीधा दुबई में भागा बोलता है, दुबई में काम करते हैं वो, अभी पैसा नहीं मिला। हाँ, ये लोग ऐसा है, ये लोग का पैसा पूरा खाली होने दो, ये लोग का सेवक का भी बंद होता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, ऐसा तरीका का सेवक लोग ये लोग, मेरे को बताओ क्या ये लोग बोलता है, ये लोग क्या भाई ब्रैनम को प्रभु जो बोला उनका अनुसार है क्या नहीं है? आप देखो एक एक चर्च को पकड़ चुन के देखो, आप एक एक सेवक को देखो, आपको जितना सेवक का पहचान है उसको उठाते हुए देखो तुम कैसा है करके, वो लोग का प्रोग्राम क्या है, वो लोग को पैसा देने वाला कौन है। आपको एक बात बोलते हैं, ये लोग को देखने में ये लोग का पैसा किधर से आते हैं, वो जड़ को देखो। आहा, ये मिनिस्टर, ये मिनिस्ट्री से ना, ये सेवकाई हिंदुस्तान में, पंजाब में, चेन्नई में, आंध्र में, अलग अलग जगह में, आंध्र और चेन्नई और पंजाब, ये तीनों स्टेट से ये लोग बहुत सुलभ रूप से जाते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टेट में पैसा का लालची ज्यादा है,
तीनों स्टेट में पैसा का लालची ज्यादा है, पंजाब वाले को भी, आंध्र वाले को भी और तमिलनाडु का चेन्नई वाले को भी पैसा का लालची बहुत है। ये लोग पैसा का लालची होने से ये लोग सेवकाएं पे उतरा और ये लोग और देखता है कौन है वो ऐसा मिनिस्टर करके। वायस मैं बोलता है बाकी स्टेट नहीं है करके सोचो मत, बाकी भी है मगर ये तीनों मेन स्टेट से वायस आंध्र पंजाब और तमिलनाडु चेन्नई ये तीनों मेन स्टेट से वायस मुंह को खुला करके पैसा कभी आके गिरता है करके देखने वाला है। वायस ये लोग पैसा का ऊपर बनाए हुआ चर्च से, रेवलेशन के ऊपर नहीं, पैसा का ऊपर बनाए हुआ चर्च से, पैसा का जो प्रभाव में बना हुआ चर्च है ये सब वैसे पैसा का प्रभाव में ये लोग पैसा लेके कलीसिया को चला, ये पैसा लेके सेवकाय करता है। ये बालान है एक एक आप देखो कैसा परीक्षा करना ये लोग का जट किधर, क्या जट है? मैसेज का जट नहीं है, हाँ पैसा का जट किधर है देखो। ये जट अमेरिका में क्या, यूएसए में क्या, ट्रिनिडाड में क्या, जर्मनी में क्या, यूरोप में, यूके में क्या, ये सब आप देखो जरा ये जट किधर से, वो जट का अनुसार ये लोग काम करता है। जट किधर से आता है उसी से आप सोचो ये लोग का दम जो है, ये लोग का जो दम है वो जड़ जड़ से आया, वो दम है पवित्र आत्मा से नहीं, ना वचन से नहीं, वो जड़ से, जड़ उसको ताकत दिया, वो जड़ का अनुसार ये लोग फले फूले और आशीष पाए, फले फूले और आशीष पाए। वैसा तरीके का ये सेवक है, ये पूरा बालामाइट से। प्रभु के नाम को धन्यवाद दिया पूरा बालामाइट से। शेयर करो ये यूट्यूब को, अगर आप सच्चा विश्वास है शेयर करो इसको, सभी असेंबली को भेजो ये यूट्यूब को शेयर करो, ऐसा यूट्यूब को शेयर करने का है हकीकत तो वो लोग को मालूम पड़ता है। हाँ सुनो इधर, ऐसा तरीके में मेरे फिर पर भाई ब्रैनम सही बोला, भेजेगा और आशीष भी करेगा बोला। ये सब आशीष है ये लोग का, पैसा का आशीष क्या है, पैसा का आशीष, पवित्रात्मा का आशीष नहीं है। अब क्या सोचा ये आशीष बोलेगा तो पवित्रात्मा से मिला और वचन नहीं नहीं वो ब्राइड का आशीष है, मैं पहले बोल चुका है ब्राइड का जो आशीष है, ब्राइड का जो ब्लेसिंग है वर्ड एंड द होली स्पिरिट वो यस। और ये लोग का आशीष है पैसा, पैसा मनी मनी। और ऐसा पैसा लेके हिंदुस्तान में भी एक डाल्टन ब्रूस हो गया, अभी उसको बोलता है इंडियन ब्रूस, बोलता है इंडियन ब्रूस, वो भी है इंडियन ब्रूस भी है क्योंकि पैसा का ताकत से वो इंडिया का ब्रूस बन गया। हाँ पैसा का ताकत से इंडियन ब्रूस बन गया वो, उनका एक्सेंट, उनका इंग्लिश, उनका सब कुछ हम लोग पूरा नोट किया, हम लोग वो यूट्यूब को देख के हंस रहा था। कुछ भी नहीं है, स्टाइलिस्ट है, हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए कुछ कम नहीं है और अपना जवान को ब्रूस का जैसा बना के रखा, ब्रूस का जैसा पुलपिट में, ब्रूस का जैसा इंडियन ब्रूस है वो। हम बोलता है ही इज द इंडियन ब्रूस, सेम टू सेम एक्सेंट, वही एक्सेंट है, वही आवाज है, उसी तरीके का इंग्लिश है। अरे बाप रे क्या चाहिए आपको अभी, ये सब मेरे फेर फेर बहनों, ये सब भारम का मिनिस्ट्री आपको चाहिए, आप उधर जिंदा नहीं रहेगा। आपको वो प्रभु का, प्रभु ने बोला करने के लिए सेवक है, प्रभु ने बोला जाने के लिए, मगर प्रभु ने आशीष भी दिया वो लोग को। ये सब आशीष से फले फूले पूरा ये लोग है, फले फूले है ये लोग। हाँ सब छट्टे बट्टे लोग इकट्ठा हो गया, मैं बोलता छट्टे बट्टे लोग सब इधर है, इस मिनिस्ट्री के नीचे छट्टे बट्टे लोग बैठा है, छट्टे बट्टे लोगों को यही चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री चाहिए, सीधा साधा हमारे यूट्यूब के जैसा, जो मैसेज पे लोग सुनेंगे नहीं बोलेगा तो ये लोग को मार मार गिरता है, ये लोग को थापड़ से थापड़ गिरने वाला है, ऐसा यूट्यूब हम बनाता है थापड़ से थापड़, क्योंकि हमको कोई किसी का पैसा नहीं चाहिए। अगर मैंने थोड़ा हल्का से प्रचार कर सकता था सॉरी करता था, थोड़ा ढीला छोड़ के प्रचार करता, मेरे को बहुत सब्सक्राइबर भी होता था, बहुत पैसा भी मिलता था, मगर हम उसी के पीछे नहीं है, हम सीधा सीधा बोलने वाला है। यस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ये सब उसी तरीके का सेवक है मेरे प्यार में, छट्टे बट्टे से भरा हुआ सदस्य लोग, ये सब सदस्य लोग छट्टे बट्टे लोग है, क्या न्यूज से है मैन। यस सुनो भाई ब्रैनम का ही मैसेज, हाँ
प्रभु आपको आशीष दे सकते हैं, मगर इट इज नॉट हिज परफेक्ट विल। ये जो है प्रभु का सिद्ध इच्छा नहीं है। Yes, it is not his perfect will. ये प्रभु का सिद्धा इच्छा नहीं है। बोलो खलास, बस हो गया। ये सब छट्टे बट्टे लोगों का सेवकाई, हाँ, और ये बालामाइट्स लोगों का ये सेवकाई, और वो सिस्टम, वो नेटवर्क, और सब कुछ मनी मनी बिजनेस, पैसा का बिजनेस, पैसा का थैली, और एक तरीके के एसोसिएशन, मिनिस्टर्स एसोसिएशन, जैसा बालम का बालम का बालम का भी एसोसिएशन था, उसका मुख्य था बालक, क्योंकि पैसा उधर से आता था। मगर मूसा को कोई भी पैसा देता नहीं था, ना उसके लिए नहीं था वो, उसका साथ प्रभु खड़ा था, उसका साथ प्रभु का सामर्थ्य था। मगर इधर देखो, ये नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है ये। Praise be the name of the Lord. हाँ, परमेश्वर ने अनुमति दिया। All right. ये लोग कृपा को टुकराया, मालूम है? कृपा को टुकराया। ये लोग वो चिल्लाया, हमको नियम चाहिए, लॉ चाहिए। वयस Praise be the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। अभी बाइबल में बोलते हैं इधर, इट इज बेस्ट टू हैव गॉड्स विल। ये अच्छा है प्रभु की इच्छा को पाने का, प्रभु की इच्छा को लेने का। दैट इज व्हाट ही टॉट अस, वही जो हमको वो सिखाया। दाई विल बी डन, आपकी इच्छा होने दे। दाई किंगडम कम, आपका टोकन आने दे। Thy will be done, इसका मतलब आपका इच्छा और आपका टोकन आने दे, अनकोट। ये जबरदस्त है, किंगडम बोलेगा तो टोकन, आपका इच्छा होने दे और आपका राज आने दे। प्रभु का राज क्या है वो मालूम है? प्रभु का राज जो है पवित्र आत्मा है, होली गोस्ट बैप्टिज्म है, टोकन है, वो प्रभु का राज है। अभी ये प्रार्थना बहुत जबरदस्त है, आपका इच्छा होने से हमको टोकन मिलेगा। इसका मतलब अगर आपका इच्छा होएगा तो मेरे को टोकन आने वाला है। हाँ, ब्यूटीफुल है वो। हाँ, ये लोग को टोकन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लोग प्रभु का इच्छा से भार है। ये लोग टोकन से भी भार है, प्रभु की इच्छा का भार होना, टोकन नहीं पाना, ये की हिसाब है। इसलिए मैं आज बोलता है, ये लोग नए जन्म को, वो तो बात ही छोड़ दो, नए जन्म नहीं पाया। ये लोग बालम के साथ रहने से नए जन्म नहीं मिलता है। बालम अपने आप को बड़ा किया, देव मानव बना दिया। मैं देव मानव है, सुपरमैन है मैं, वही डॉक्टर बुश का दावा है, आई एम द वर्ल्ड एल्डर, सुपरमैन भाई। हाँ, इसलिए उसका मिनिस्ट्री गिर गया। आज मिनिस्ट्री किधर भी नहीं है, इसका नाम निशान नहीं है अभी। उनका असिस्टेंट लोग भी नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है, और वेबसाइट तो बंद हो गया, सालों साल निकल गया, कुछ भी नहीं है, कोई खुलासा नहीं, क्योंकि प्रभु ने मार के इसको एक कोने में डाल दिया, मार के डाल दिया। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत बेकार काम किया था। मगर इधर देखो, हम मैसेज में देखेंगे। वैस आपका राज होने दे, आपकी इच्छा होने दे, आपके इच्छा होने से आपका राज आएगा। वैस हाँ, वी मस्ट सबमिट अवर सेल्फ टू हिज विल एंड हिज वर्ड। हम अपने आप को उसका इच्छा और उसका वचन के लिए देंगे। डोंट क्वेश्चन इट, बिलीव इट, डोंट वरी, सॉरी, डोंट ट्राई टू फाइंड। ऑल राइट, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। पूरा आपका इच्छा, उनके इच्छा को लेंगे। ये सब ये लोग क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का सेवकाई नहीं है। ये लोग का सेवकाई जो है सिद्ध इच्छा का नहीं है, अनुमति दिया हुआ इच्छा है, अनुमति दिया, परमिसिव विल बोल सकता है। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिए। ये जो है, ये मलाकी 4:5 का अनुयायी लोगों का स्थिति है, स्थिति है। भाई ब्रैनम क्या बोला, वो मैसेज आप लोग सुना होगा, डूइंग द सर्विस ऑफ गॉड विदाउट बीइंग हिज विल। वही ये सब एक ही कैटेगरी में आने वाला है, उसका इच्छा का भार करने वाला सेवकाई। वैसे ये सब उसका इच्छा से भार का सेवकाई है। प्रभु की इच्छा क्या है,
प्रभु कभी आपको सेवकाई को भेजेगा, कभी भेजेगा प्रभु, कभी भेजेगा आपको से प्रभु। मूसा को क्या बोला, वयस सेवकाई के लिए क्या चाहिए, जोशुआ का जैसा व्यक्ति चाहिए। जोशुआ, ये जोशुआ और मूसा के बीच में एक आदमी है, ये मैं बोलता है जोशुआ और मूसा के बीच में आता है बालाम, क्या ताकि जोशुआ का सेवकाई में ये लोग नहीं जाना। बिलाम को फॉलो किया ये लोग। बिलाम आखिरी में क्या किया, मिक्स मैरिज किया, मोबाइल्स और इसराइल को मिक्स मैरिज, दोगला, दोनों को भी मिलाप कर दिया। और आखिरी में क्या हो गया, मौत हो गया। बालाम का मिनिस्ट्री के नीचे क्या है, मौत है। मूसा का मिनिस्ट्री के नीचे क्या है, जीवन है, क्योंकि वो सिद्ध इच्छा है, प्रभु ने बोला वो इच्छा है, एक बार बोला और अपना मन को बदला नहीं। ऐसा तरीका का सेवकाई विलियम ब्रैनम का है, एक ही बार बोला बदला नहीं, हम उधर ही खड़ा होने का है। क्या बोला प्रभु ने विलियम ब्रैनम को, हाँ विलियम ब्रैनम को क्या बोला, रिसीव द टोकन और यू पेरिश बोला, टोकन को पाओ नहीं तो नाश हो जाओ। ये सही बात है, वो एक ही बार बात किया टोकन मैसेज में, रिसीव द टोकन और यू पेरिश। ये लोग को सब टोकन मिला, पूछो इससे, कॉलर पकड़ के पूछो, हकीकत में कॉलर पकड़ के ऐसा मारो मत, ये कॉलर पकड़ के पूछो बोलेगा तो आप गलत मत सोचना, कॉलर बोलेगा तो इधर पकड़ के पूछो क्या आपको मिला है क्या टोकन, अरे इधर उधर भड़कते हो, हाँ ये लोग को पकड़ के पूछो, एक एक को पकड़ के पूछो। मैं बहुत मस्ती का आदमी है, मेरे को ऐसा लोग मिलेगा तो सीधा उसका कॉलर खोलेगा, ऐसा फ्रेंडली पकड़ेगा मैं और पूछेगा क्या भाई आपको मिला है क्या टोकन, मिला है आपको, फिर आप क्यों इधर उधर भटकते हो, इधर उधर सेवकाई के जैसा थैली को डालते हुए दुनिया भर के घूमते हो, क्या आपको मालूम नहीं है। आप बोलेगा मेरे को 5,000 मिला लोग मिला, 500 लोग मिला, ये सब बकवास है, ये सब प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा अलग है। एक बात बोलता है, इतना लोगों को ये लोग ने जीता बोलता है, ये लोग आखिर तक खड़ा रहने वाला नहीं है, ये लोग पूरा ट्रिबुलेशन के लिए बना है वो लोग, क्योंकि बाइबल बोलता है मैनी मैनी आउट नंबर ही कर नहीं सकता है, उतना लोग आएगा बोलता है। ट्रिबुलेशन का लोग ये लोग, दूसरा पुनरुत्थान का लोग है, ट्रिबुलेशन का लोग है वयस। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, ये सब मेरे फेर बैर बेन भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री का आशीष को निकालने के लिए ये बालाम सोच रहा था, वैसा ये लोग भी सोच रहे हैं। कोई भी बहुत कम लोग मिलेगा आपको, बहुत कम लोग मिलेगा वो यस। मगर मेरे फेर बैर बेन भाई ब्रैनम क्या बोला, तब तक के लिए ये मैसेज में बने रहो, कभी सातवां मोहरा खोलेगा, प्रभु चाहता है वो आपको भेजेगा अगर आपको चाहिए। सातवां मोहरा में क्या है, टोकन है, जोशुआ मिनिस्ट्री है वो। जोशुआ कौन है, वादा का देश को चला के लेके जाने वाला है, हाँ जोशुआ का सेवक है, वादा का देश को जाने वाला। वैसे हमको क्या, जो हम वो मिनिस्ट्री में आया, हम खाली मूसा के साथ खड़े होते हुए बालम को देखते हुए, अभी ये लोग मूसा को पहचाना और मूसा के बाद बालम को पहचाना और बालम के जैसा सेवकाई करते, ये लोग जोशुआ के सेवकाई का नीचे नहीं आया। जोशुआ का परफेक्ट सेवकाई, जोशुआ वादा का देश को लेके जाने वाला सेवकाई, जोशुआ मिनिस्ट्री टू टेक द चर्च इन टू द प्रॉमिस लैंड। जोशुआ जो है वो लेके जाने वाला लीडर है, वो नबी है वो। आप पहचाना, सच्चा नबी को पहचानने को आपको नहीं होता है, मूसा के बाद आप पहचाना बालम को और बालम के साथ खड़ा हो गया और बालम का मिनिस्ट्री बन गया, आज पूरा पूरा बालम का मिनिस्ट्री है। जोशुआ का पहचान नहीं है लोग, डाल्टन ब्रूस बड़ा बड़ा दावा करता है वो आउट है, वो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है वो भाई लैम्बर्ट का मैसेज को छुपाया हुआ एक बेकार आदमी है वो, और बाद में बाकी लोगों को पूरा खुलासा करता है, अभी वो खुद खुलासा हो गया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। हाँ हमारा ब्राइड किधर है, ब्राइड
मूसा के मैसेज में, मैं बोलते आज बोलते मूसा के मैसेज में, मूसा के मैसेज में जोशो आ गया और ब्रेड जोशो के साथ खड़ी है, क्योंकि उसको वादा का देश चाहिए। वादा का देश क्या है ब्रदर वाटसन? बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, क्योंकि आपको और मेरे को भेजने वाला है। ये मत सोचो बाइबल पकड़ के और बालम को कौन भेजा? बालक भेजा, प्रभु नहीं भेजा बालक। प्रभु बोला मत जाओ, बोला ये लोगों को मत जाओ करके पहले बोला था, मगर ये लोग जाने के लिए तैयार, बाद में बोला प्रभु जा सकता है जाओ। और किस किस के द्वारा ऑर्डेन हो गए? गए वो लोग। और ये बालम को कौन भेजा? बालक भेजा, प्रभु नहीं भेजा। ये लोग को कौन भेजा? लोग भेजा, लोगों का मिनिस्ट्री है, प्रभु का नहीं है, लोगों का मिनिस्ट्री है। बालम लोगों के साथ, बालक के साथ खड़ा था, बालक जो है स्पॉन्सर है। ऐसे ये बालम आज, ये मिनिस्टर लोग बालम लोग है, ये लोग स्पॉन्सर के साथ खड़ा है, क्योंकि ये लोग को स्पॉन्सर चाहिए एरोप्लेन में जाने के लिए, पैसा पैसा घमाने के लिए, पैसा खर्चा करने स्पॉन्सर लोग चाहिए। ये स्पॉन्सर लोगों को बोलता है बालक, मगर ब्राइड ऐसा नहीं है। ब्राइड को कोई स्पॉन्सर का जरूरत नहीं है, ब्राइड इंतजार करती है प्रभु को, प्रभु से वो सिग्नल आना चाहिए। वायस भेजने वाला कौन है इधर? ब्राइड को भेजने वाला कौन है? जोशुआ है। जोशुआ इज द होली गोस्ट, इसको बोलता है जोशुआ कमीशन, बोलता है जोशुआ का आज्ञा, जोशुआ का कमीशन। कौन है जोशुआ? जोशुआ इज द जेहोवा सेवियर, जीसस क्राइस्ट। वायस बाइबल में नहीं है, बाइबल में आप जोशुआ को देखते हो, मध्यम भाग में भी जोशुआ खड़ा है, पीछे भी जोशुआ था, मध्यम भाग में भी जोशुआ है, अंतिम दिन में भी वही जोशुआ है। मध्यम भाग में कौन है वो जोशुआ? जीसस क्राइस्ट इज अ जोशुआ। वो जोशुआ होली गोस्ट के लिए बोला जाओ जेरूशलेम में इंतजार करो, कब तक तुमको ऊपर से सामर्थ्य नहीं आएगा, तुम किधर भी हिलो मत, बोला। वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो इंस्ट्रक्शन है। ये सब आज हम देखता है, ये इंस्ट्रक्शन का भार का मिनिस्ट्री है, जाओ। और लूको के सुसमाचार में क्या बोला? कैरी यू फॉर द फादर्स प्रॉमिस ऑफ द फादर, पिता का वादा के लिए इंतजार करो। ब्रैनम क्या बोला? वही बोला। प्रभु ब्रैनम से क्या बात किया? हमारा मूसा से क्या बात? वही बात किया। कब तक वो सामर्थ्य नहीं आते हैं, कोई भी हिलो मत, बोला। अभी समय नहीं है, बोला भाई बहन, इधर उधर जाने का, ये मजाक करने का, छट्टे बट्टे लोगों का समय नहीं है। अभी सही समय हम इंतजार करना। अभी ब्राइड वही काम करती है, ब्राइड इसलिए ब्राइड मूसा के साथ खड़ी है। वो बालम के मिनिस्ट्री में नहीं घुसी, बालम का कोई भी संपर्क नहीं है उसको, बालम का कोई संबंध भी नहीं है, क्योंकि मूसा और जोशुआ के बीच में बालम था। क्यों बालम खड़ा था? ये आशीष को निकालने के लिए और जोशुआ के पास नहीं जाना करके करने के लिए। कितना लोग मर गया बालम का डॉक्ट्रिन से, कितना लोग मर गए? क्या डॉक्ट्रिन है? मिक्स मैरिज, आत्मिक रूप से डॉक्ट्रिन को पूरा मिक्स करना, बालम का और ब्रैनम का डॉक्ट्रिन को मिक्स किया, क्या हो गया? मौत हो गया। कितना मौत हो गया? बहुत मौत हो गया बालम का वजह से, बालम के वजह से बहुत इसराइल लोग मर गया। वैसे आज भी ऐसा है, बहुत लोग ये बालम का वजह से, बहुत चर्चस मर गए आज। मैं बोलता है इवन दस सेथ लॉर्ड, दस सेथ होली स्पिरिट, बालम का वजह से बहुत कलीसिया आज मर गया। ऐसा मारा, मगर धन्यवाद है ब्राइड जोशुआ के साथ खड़ी है। जोशुआ कौन है? जेहोवा सेवियर। जोशुआ कौन है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जोशुआ कौन है? द होली गोस्ट। और जोशुआ ने लोकेशन बताया, कैरी यू एट जेरूसलेम अंटिल यू एंड्यूर्ड विद द पावर। आज वो जेरूसलेम इसराइल में नहीं है, वो अलग लोकेशन है। और भाई ब्रैनम बोला आखिरी का जो लोकेशन है बेदारी के लिए, न्यू इंग्लैंड, यू यस से कैरी यू एट जेरूसलेम अंटिल यू एंड्यूर्ड विद द पावर, देन यू शैल बी विटनेसेस अनटू मी इन जेरूसलेम जुडिया समारिया एंड अटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ।
यरूशलेम में, जुड़िया में और दुनिया का कोने कोने में तू मेरा गवाही बने। वैसे वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। और बालम को आप आज 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 सुना, ये यूट्यूब सबका आंखों को खुलासा करने वाला यूट्यूब है। आपका आंख इसमें खुलासा होएगा। वॉयस अगर इसमें खुलासा नहीं होगा आपका और बाकी मैसेज ही नहीं है। मैं आज बोलता है बंद करने का पहले आज का ये सब मिनिस्ट्री आप देखते हो, ये सब बालम का सेवक है और हमको बालम का नहीं चाहिए। जो ब्रैनम को रब ने बोला टोकन आने तक हम इंतजार करना, हम जोशुआ को पहचाना, सातवां मोहर खुलासा होने से हमको जोशुआ मिला, हमको जोशुआ मिला। अब सात गर्जन को सुना, हमको टोकन का जरूरत करके उससे मालूम पड़ा हम इधर उधर ही हिला नहीं, हम इसका पीछे उसका पीछे बालम का बिजनेस में हम नहीं गिरा। हालांकि हमको बरमाने के लिए, हमको गुमराह करने के लिए डाल्टन बुश का जैसा सेवक लोग बहुत देखा, मगर हम नहीं मिला। इससे हमको मालूम पड़ता है हम प्रभु का सिद्ध इच्छा में खड़ा है, सिद्ध इच्छा में हम खड़ा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, ये महान मैसेज के लिए आपको धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिताजी, ये मैसेज के द्वारा आपने हमको बताया हमारा हम कौन सा सेवकाई में है, हम कौन सा इच्छा के नीचे खड़ा है। होने दे आपका महिमा, आपका गौरव। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुंदर कबूल करना। आमीन। अभी सभा खत्म हो गया। गॉड ब्लेस यू।